अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट सिंध की जानिब से सिंध मैकेनिकल डिवीजन सखर में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें अप्लाई करने के हवाले से तमाम डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली जॉब्स की वीडियोज़ के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सकें। मैं हूँ सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, हुकूमत सिंध की जानिब से पब्लिश होने वाला सिंध मैकेनिकल डिवीजन सखर का एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अनाउंस होने वाली वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि अनाउंस होने वाली वैकेंसीज पर सखर का डोमिसाइल रखने वाले लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर वैकेंसी है, इसके अंदर क्लीनर की ग्रेड है BPS 2, 18 से 28 साल अप्लाई करने की एज लिमिट है, एजुकेशन मिडिल रिक्वायर्ड है, 10 सीट्स हैं, 10 की 10 सखर के डोमिसाइल के ऊपर हैं। इसके अलावा ग्रीसर की वैकेंसी है, ग्रेड है BPS 2, 18 से 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मिडिल इसमें भी तालीम रिक्वायर्ड है, 10 अदद इसकी वैकेंसियाँ हैं, सखर के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पर वैकेंसी है चौकीदार की, ग्रेड इसका BPS 1, 18 से 28 साल इसमें अप्लाई करने की एज लिमिट है, तालीम की कोई कैद नहीं है, अगर तालीम नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10 अदद वैकेंसीज इसमें चौकीदार की हैं, ये भी सखर के डोमिसाइल पर वैकेंसीज हैं। टोटल 30 असामियाँ जो कि अनाउंस की गई हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दरख्वास्त लिखनी पड़ेगी, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर 2 आपको लगानी पड़ेंगी, साथ में आपको अपना शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, PRC और आपके जो भी एजुकेशन है उन तमाम की फोटोकॉपी अटेस्ट करा के आपने इनके एड्रेस से भेजनी है। जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम आपने लाजमी लिखना लिफाफे के ऊपर। अगर आपकी एप्लीकेशन नामुकम्मल होती है, लेट आती है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। पहले से अगर सरकारी मुलाजिम है तो NOC लेके अप्लाई कीजिएगा। आज ये एडवर्टाइज पब्लिश हुआ है, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 है, इससे पहले आपकी एप्लीकेशन के पास पहुंच जानी चाहिए। अनाउंस होने वाली वैकेंसी में 2% कोटा मासूर अफराद का, जबकि 5% कोटा अकलीती बरादरी का है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से 15 साल रियायत तमाम लोगों के लिए है, तो 28 के ऊपर अगर आप 15 साल जमा कर लें तो 43 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी एप्लीकेशन मुनीर अहमद सुमर मैकेनिकल इंजीनियर अपर सिंध मैकेनिकल डिवीजन सखर पे भेज देनी है। तो दोस्तों, यदि कंप्लीट वीडियो सिंध मैकेनिकल डिवीजन में आने वाली जॉब्स के वाले से, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।